पढ़ाई के मामले में ले लीजिए, चाहे विकास के मामले में ले लीजिए, चाहे सड़कों के मामले में ले लीजिए, हर तौर से हमारा हमीरपुर जिला नंबर वन है। और हमीरपुर जिला का विकास कब शुरू हुआ? हमीरपुर जिला का विकास 1977 में जब पहली बार शांता जी की सरकार बनी थी और स्वर्गीय ठाकुर जगदेव चंद जी यहाँ से मंत्री बने थे। आज हमीरपुर में जो कुछ भी आपको दिखता है वो या तो संस्थापन में ढाई ढाई साल की सरकार रही और उसके बाद भारत माता की वंदे वंदे। एक बार भाजपा, एक बार धूमल जी, स्वागत है जी, स्वागत है। एक बार भाजपा भगवान ही लहराया था, भगवान ही लहराया था। अमित जी को जय श्री राम, अमित जी को जय श्री राम। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, अमित जी को जय श्री राम। अब भगवान ही लहराया था। मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से, आदरणीय धूमल जी से, वामराज जी से, कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के चरणों पे पुष्प अर्पित करें। आदरणीय अमित शाह जी, प्रोफेसर धूमल जी, अनुराग जी, उन्हें सम्मानित करें। प्रोफेसर धूमल जी, मुझे लगता है हिमाचल ने 5 वर्ष इंतजार किया है, अब इस भ्रष्ट और माफिया राज वाली सरकार से मुक्ति पाकर कमल का फूल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का समय आ गया है। आदरणीय अमित भाई, आपके इस निर्णय से और आपके हिमाचल में कदम आप पढ़ने से मैं आज इस मंच से कह सकता हूं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ने पिछली बार 17 में से 11 सीटें जिताई थी। आज हम वायदा करते हैं कि हम हमीरपुर की पांचों सीटें भी जिताएंगे और 17 की 17 लोकसभा की सीटें जीतने का भी प्रयास करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये वो संसदीय क्षेत्र है जिसका 5 वर्षों में कांग्रेस ने खुलकर इस तरह से विरोध किया है, कोई काम नहीं होने दिया। मोदी जी की सरकार आई तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स बिलासपुर के लिए, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए, मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ का हमीरपुर के लिए, पीजीआई 500 करोड़ का ऊना के लिए, 400 करोड़ रुपए का IIIT ऊना के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के लिए, 64 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के लिए, और जो फौजी भाइयों की बड़ी मांग थी वन रैंक वन पेंशन उसको भी पूरा किया, और जो हमने कभी सपना भी नहीं देखा था ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन, हमीरपुर वालों का वो सपना भी नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। इसलिए हमने जो सोचा उससे ज्यादा मिला, लेकिन प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाई। मुझे पूर्ण विश्वास है जब केंद्र में मोदी जी होंगे और आपके
आशीर्वाद से प्रदेश में धूमल जी होंगे तो ये दोनों की जोड़ी हिमाचल को विनाश की पटरी से हटाकर विकास की पटरी पर लाएगी और फिर नंबर वन राज्य बनाएगी। ज्यादा समय न लेता हूं, एक बार अमित भाई के नाम पर नारा लगाएंगे। अमित भाई को जय श्री राम, स्वागत है जी, स्वागत है। मैं आपके और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में ज्यादा न रहता हुआ एक बार फिर दिल की गहराइयों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमीरपुर की इस वीर भूमि देव भूमि पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों के साथ अमित भाई का बहुत बहुत स्वागत। हमीरपुर पर बड़ा दायित्व आया है। जब जब हमीरपुर की पांचों सीटें हम जीतते हैं तब बीजेपी की सरकार बनती है। इस बार कॉम्पिटिशन हमारा शिमला जिले से है। मैं शिमला होके आया, मुझे बड़ा विचित्र लगा इस बार मुख्यमंत्री के अपने घर में रामपुर में जो जनसभा हो रही थी वहाँ जिला परिषद के मेंबर, बीडीसी के मेंबर, पंचायतों के प्रधान, नगर परिषद के लोग भारी संख्या में हमारी पार्टी में शामिल हुए और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। और वहाँ नारा लग रहा था तो हम निचले क्षेत्रों में लगाते नहीं, रजवाड़ा शाही नहीं चलेगी। अगर रामपुर में रजवाड़ा शाही नहीं चलेगी तो हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी कहीं भी नहीं चलेगी, पूरी तरह साफ हो जाएगी। इसलिए ये परिवर्तन की लहर सारे प्रदेश में चल रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है उसमें भी ऐसे वायदे किए हैं जिनका पांच साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो कल शाम को भी अचानक यहाँ पहुंचा तो हजारों की संख्या में आपने मिलकर जो स्वागत अभिनंदन किया, मैं रोज मिलता रहता हूँ आपसे। हम सुनना चाहेंगे अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिन्होंने अपने कला से आज के युग के जो चाणक्य है और भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। इसलिए मैं ज्यादा देर ना बोलते क्योंकि इनको 5 बजे चंडीगढ़ से टेक ऑफ करना है। मैं इनका फिर से आभार व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए कि आप सवेरे से डटे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा जो आप बोल रहे थे मैं ही बोल रहा हूँ, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भाई जिसके हाथ नहीं उठे मैं समझूंगा वो चाहता है यही राज रहे, ठीक है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिमाचल।